Dodo TV. अर्जुन और प्रवीण एडवेंचर के बड़े शौकीन थे। दोनों दोस्त इसी शौक को पूरा करते हुए एक जंगल में जाते हैं। वो जंगल इतना डरावना रहता है कि उन दोनों को डर लगने लगता है। अभी अर्जुन, चलो यार वापस चल ले, गलत जगह आ गए हम। तभी एक डरावनी भूतनी उनके सामने आ जाती है और उनको डराने लगती है। उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं जोर से। तभी आवाज आती है, It's a prank, वोरा, उधर कैमरा। मोहित और विराट का YouTube पर एक चैनल रहता है जहां वो लोगों के साथ भूत वाले प्रैंक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वो लोग भूत प्रेत के नए नए आइडियाज ढूंढ के वीडियोस बनाते थे। विराट ये देख, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। क्या? छलावा। पुराने जमाने में ये एक भूत होता था जो किसी का भी रूप ले सकता था, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। ये लोगों को मार मार कर खा जाता था। कहा जाता है कि इसका असली रूप बहुत विकराल और डरावना होता था। ऐसा तो लोग देख नहीं पाते थे, पर लोगों ने जिस मतलब नजरें उठाने की कोशिश करता था उसकी तरफ, वो मतलब समझ लो कि पागल ही हो जाता था। और जब वो किसी और जीव का रूप ले लेता था, उसे पहचानने का एक ही तरीका था। नीचे देखोगे ना तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे रहते थे। भयानक है तो। यार क्यों ना हम भी कुछ ऐसे ही करें। सर्च यार सर्च, ये आइडिया यूट्यूब पर धमाका मचा देगा, कसम से कह रहा हूँ। विराट को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, वो मान जाता है। दोनों पूरी प्लानिंग कर लेते हैं प्रैंक का। प्रैंक का दिन आता है। मोहित छलावा के गेटअप में तैयार हो जाता है और साइट पर पहुंचकर लोगों के साथ प्रैंक करने लगता है। छलावा बनकर लोगों को डराने में उसे मजा आता है। उनका लोकेशन एक घने जंगल के पास होता है। जब मोहित और विराट प्रैंक करके शूट कर रहे थे, तब उन्हें उस घने जंगल से दो बड़ी आंखें घूर रही थी। एक विकराल काला डरावना साया। वो दोनों वीडियोस को एडिटिंग करके जब YouTube पर अपलोड करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा हिट मिलता है। देख मैंने बोला था ना, ये आइडिया तू मचा देगा। वेल डन ब्रो, वैसे तूने प्रैंक भी बहुत अच्छा किया था। थैंक्स मेरे भाई, इस बार देखना मैं कुछ अलग करूंगा जिससे हम YouTube पर छा जाएंगे भाई। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से एक काला साया आता है और अगले ही पल कोई उस साइकिल वाले आदमी को जमीन पर घसीट कर ले जा रहा होता है। वो आदमी पूरा खून से लथपथ हो चुका होता है। इस बार मोहित और विराट प्रैंक में कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। विराट कहीं से हॉलोग्राम प्रोजेक्टर का जुगाड़ कर लेता है और मोहित को दिखाता है। वो मोहित को पूरा एक्सप्लेन करता है, देख ये प्रोजेक्टर कैसे काम करता है। वो चलाकर बताता है, पहले तो तू दिखेगा, फिर जैसे ही मैं प्रोजेक्टर ऑन करूंगा वैसे ही एक भयानक सा हॉलोग्राम प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसे ऐसा लगेगा कि तूने छलावा का रूप ले लिया है, समझ रहे? विराट प्रैंक की पूरी प्लानिंग मोहित को समझाता है। फिर आता है वो दिन जिसके लिए दोनों ने इतनी मेहनत की थी। इस बार मोहित लड़कियों के कपड़े पहनकर और नकली बाल लगाकर लड़की बन जाता है, पर उसकी बॉडी मस्कुलिन होने की वजह से लड़की के गेटअप में होने के बावजूद लड़की नहीं दिखती, बल्कि एक किन्नर जैसा दिखता है वो। तैयार होने के बाद एक्साइटमेंट में उसे टॉयलेट आ जाती है और वो विराट को बिना बताए टॉयलेट चला जाता है। विराट कैमरा और लोकेशन सब सेट करके अंदर मोहित को देखने आता है। मोहित चल, सब सेट हो गया। जब बहुत देर तक मोहित नहीं आया तो विराट को लगा कि वो शायद मेरे आने से पहले ही बाहर चला गया होगा। ये सोचकर वो बाहर आ जाता है। वो जाकर शूट करने लगा। कैमरे के सामने एक सुंदर सी लड़की आती है। ओए होए, आज मेरा मोहित तो पूरी मोहिनी बन गया। इतनी सुंदर तो लड़कियां भी नहीं लगती। तभी एक राह चलता आदमी मोहित के रूप पर मोहित हो जाता है। वाह मोहित, तू तो एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है,
हैट्स ऑफ टू यू मेरे भाई। विराट प्रोजेक्टर ऑन करने लगता है तो प्रोजेक्टर ऑन ही नहीं होता। अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये ऑन नहीं हुआ तो मैं शूट कैसे करूंगा। मोहित मोहित। तभी अचानक उसकी नजर मोहित के पैर पर पड़ती है जो उल्टे होते हैं। वो घबरा जाता है। देखते ही देखते मोहित छलावे में परिवर्तित होने लगता है। जिस इंसान के साथ वो छलावा प्रैंक कर रही थी उसी इंसान को खाने लगती है। ये देखकर वहां हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वो जगह वीरान हो जाती है। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। वो बुरे तरीके से डर जाता है क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि ये तो असली छलावा है। छलावा जब आदमी को मार कर खा रहा था तब ये सारा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी गलती से विराट के हाथों से कैमरा छूट कर गिर जाता है। आवाज सुनकर छलावा उसकी ओर देखने लगता है। विराट वहां से भागता है। वो भागते भागते जंगल में चला जाता है। जंगल में उसका पांव किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। जब वो खुद को संभालते हुए उस चीज की ओर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो मोहित की आधी खाई हुई लाश थी। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो रोने लगता है। तभी उसे छलावा की डरावनी आवाज आने लगती है। वो पूरी जान लगाकर दौड़कर भागने लगता है। जब छलावा उसके काफी पास पहुंच जाता है तो वो एक बड़े से पत्थर की आड़ लेकर छुप जाता है। उसके थोड़ी दूर पर आग जल रही थी। वो देखता है कि छलावा वहां आता तो है पर आग को देखकर डरने लगता है और चिल्लाने भी लगता है। विराट को समझ में आ जाता है कि आग से डर रहा है। विराट हिम्मत करके झटके से आग के दूसरी तरफ चला जाता है और एक बड़े से चलते हुए लकड़ी को छलावा पर फेंक देता है। छलावा चलने लगता है। विराट बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी कपड़ों के थान में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा आदमी वहां आता है और छलावा की आग बुझा देता है। उसे वहां से लेकर जाता है। उस दिन के बाद से मोहित और विराट के यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं डली और किसी को नहीं पता चला कि वो दोनों कहां गए। सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमय तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौके वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ मैं नाइट ड्यूटी में थी पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहा सुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक चिन्ह अस्पताल में आ जाता है और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है इतनी अजीब घुटी घुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया।
मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है, तभी वहाँ एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर नंदू वहां से वार्ड की तरफ हांफते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में घायल लड़की पड़ी है, मैं अभी आ गया था तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं, तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लग जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है, मैं चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं, आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कुछ करती हूँ। वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। देखो अस्पताल वाले क्या करते हैं। तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है, इसका नर्स पर ही दिल आ गया, बताओ। ए, तुम्हें नर्स ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूं। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती है। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता।
वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है, तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव, मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठापटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी अभी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं, मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था, चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है, मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो, अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ, नर्स के कमरे में जिम है, उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं भी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते एक खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूखता हुआ यहाँ तक आ गया, लगता है वो आ गया। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मुझे देख लिया है, और तुमने शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भाग से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी तावीज उस जिन्न से टकरा जाती है, परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस तावीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? ए, तुम अपने गले से यह धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा ये तावीज? नहीं नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता, तो मेरी माँ ने मुझे बजाया था। नंदू, अभी भी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकाल कर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी, मेरे बाबा मुझे माफ कर देना। नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर तावीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था, वो धूं धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में छलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस तावीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना। बेकार में उस बेचारे मनोहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। कब्रिस्तान वाले जिन्न से अब अस्पताल वालों को छुटकारा मिल जाता है। आधी रात का समय था, अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई चिल्लाया। अविनाश घबरा गया, उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पहुंचाकर। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा।
जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर चार दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा, तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ, लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में, मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं करते? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेले ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा, उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं, अंदर कोई भी नहीं है, मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी, जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज यहां इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूं। अच्छा, क्या आप मैं ऊपर जाके देख सकता हूं? हाँ आप देख सकते हैं, वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी आप है कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डर कर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है।
फिर अचानक हवाएं चलने लगी, सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भाग गया। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था, वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई, कहाँ है तू? सामने आ, तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा विनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज रही थी। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना, चार दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी ने सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जान बूझ कर तुम्हें नहीं मारा, ये सब अनजाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतर कर पॉट ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करने ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चई, ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चई। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा उसके दारे और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। ए तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे, याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्माएं मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो, इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया
उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी।